हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टम्बल गाइस वीडियो। तो आ चुके हम लोग एक और गेम प्ले वीडियो के साथ गाइस, और पहला राउंड आया है पेंट स्प्लैश। तो चलते हैं जल्दी से यार, आज कुछ नई ट्रिक्स ट्राई करते हैं, यहाँ से चल के देखते हैं। और ट्रिक देख रहे हो गाइस, ट्रिक देख रहे हो मतलब प्रो लेवल देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा है मेरा यार। अभी यहाँ पे फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इस बार ढंग से करेंगे। इस बार हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉट लोग क्या सोच रहे हैं भाई खड़े होके, ये लोग क्या नेशनल एंथम गा रहे थे, क्या कर क्या रहे थे ये लोग खड़े होके। भाई मैं तो निकल गया हूँ, क्योंकि इसमें बॉट थोड़े ज़्यादा ना, तो क्वालिफाई तो मैं कर लूँगा आराम से। इधर ट्रिक एक और फेल हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली ट्रिक ज़रूर होगी गाइस, ये वाली ट्रिक ज़रूर होगी। नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस। आज कुछ ज़्यादा ही यार गड्ढा हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ से आए, यहाँ पर आए और बूस्ट नहीं लेंगे, यहाँ से चलते हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से। भाई यार क्या हो रहा है, रुक जाओ, यहाँ से गए बीच वाले से। अरे भाई ये सही टाइम पे नीचे हो गया, अभी क्यों जा रहा है, रुक जा रुक जा, अभी जाएंगे हम, अभी चलते राइट साइड से और निकल गए गाइस। फाइनली निकल आ चुके हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद, और अब मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहले राउंड में जितना करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना गाइस, अब अपन को सीरियस हो जाना है, अब ढंग से जाना है। भाई ये क्या कर रहा है, रुक जाओ, हम जाएंगे बीच में से, अभी यहाँ पे इमोट ट्रेन देते हैं, अभी आगे चलते। यहाँ पे आगे मेरे यार थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं आ जाऊँगा अगर बॉल वॉल नहीं पड़ी तो। चलो आ गए, निकल के आ गए, बहुत बढ़िया, बस यहाँ से चलते। ये क्या था, ये देखो गाइस कैसे बूस्ट मिला मुझे, पता नहीं मैंने ट्रिक नहीं करी, लेकिन कुछ नई ट्रिक इन्वेंट हो चुकी है इधर। बस टकरा के हमें ना बूस्ट वाले पोजीशन में आ गए थे, और फिर तो कुछ भी हो गया। और लावा लैंड आ चुका है गाइस फिनाले में, तो रेडी हो जाओ, हमें जीतना है गाइस। और इधर पहले यार मेरे को नूबड़ चेक कर लेने थे, नूबड़ कौन था, कोई तो था यार इसमें से, यार कौन था मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद है भी कि नहीं यार, मुझे पक्के में याद नहीं गाइस, लेकिन लग तो रहा है कोई था, अब मुझे ना एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद नहीं होगा कोई। ये तो नहीं था पीली टोपी वाला, यही लग रहा है, नहीं ये भी नहीं है शायद, मार देता अभी तक नहीं तो। ओ पकड़ लिया, ओ भाई, अरे गाइस क्या ही बचाऊं यार, लास्ट मोमेंट पे हमने उसे पंच मार दिया। भाई मैं बाहर हो जाता गाइस सही में, वो तो रिफ्लेक्स काम आ गए अपने तगड़े वाले कि सही टाइम पे ना इमोट निकल आया, वरना तो ये मुझे पक्के में नीचे फेंक देता गाइस। लेकिन अब भाई इसको नीचे फेंकना पड़ेगा, इससे पहले ना ये मुझे बाहर कर दे। कहाँ गया ये, वो रहा कोने में यार, रुक जाओ, पहले अपन सेफ हो जाते, बाद में इसको मारेंगे। और वो तो गया गाइस, लग रहा है वहाँ पर अटक चुका है, हाँ अटक गया भाई ये, अब नहीं आ पा रहा है ऊपर, नहीं आ सकता, आराम से आ जाएगा वैसे आना हो तो, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है। और वो गिर चुका है, चलो बहुत सी बार नूबड़ बाहर हो गया है, और हम अब अच्छे लोग बचे, इनको तो मैं नहीं मारूंगा, हम लोग नॉर्मल स्किल से ही जीतने की कोशिश करेंगे गाइस। यहाँ पे देखो अभी कहाँ जाना है, भाई हर जगह ब्लॉक हो गया यार, सामने ही जा सकता हूँ बस, और आ गया गाइस, थोड़ा रिस्की जंप था ये, देखो बगल वाला नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कर दिया था, अभी बगल में हमारे है, हम लोग जा सकते हैं, बस बाहर नहीं गिरना है, नहीं गिरे। और अब हम जाएंगे इस वाले में, और आगे है क्रैक टाइल्स, और हम लोग जीत चुके हैं, इतनी देर में सब एलिमिनेट हो गए, और आ गए हैं हम लोग न्यू राउंड में गाइस। तो पहला आया है जंगल रोल, और ट्रिक हो गई शायद मेरी, हो गई गाइस, शायद से पहली बार करी यार मैंने, और ये भी हो गई यार, दोनों ट्रिक परफेक्ट, बस अब यहाँ से जाना है हम लोग को यार, क्या ट्रिक करी यार, मज़ा आ गया, पहली बार हुई है लग रहा है यार, दोनों ट्रिक एक साथ, मज़ा ही आ गया गाइस, ऐसी बस करते करते सीखना है हमें। अब भाई ये नूबड़ को ना बाहर फेंकना पड़ेगा, इससे पहले मुझे गिरा दे, और दूसरे बंदे ने इसको गिरा दिया यार, बहुत सही किया है टोपी वाले ने। लेकिन हम चलते आगे, और हो गई यहाँ वाली ट्रिक भी, बस अब जल्दी जल्दी जाकर क्वालिफाई करते हैं। भाई पीछे वाली ट्रिक चलो रहने देते, बाद में सीखेंगे, सामने मेरे जा रहा है मुर्गा, और वो कहाँ गया यार, वो नूबड़, ये भी नूबड़ था भाई, ये देखा मुझे मालूम था, चलो ये भी नूबड़ है, क्या कर सकते हैं, और कितने नूबड़ है, अच्छा ये भी नूबड़ है, और कितने भाई, यहाँ पे खड़े होकर देख लेते, यहाँ पे खड़े हो ना तो सब बारी बारी आके ना अपनी चांस लेके ना मार के चल जाते, और मुझे मालूम भी चल जाता है। तो ये हमने देख तो लिया है कितने लोग थे, और आ चुके हम लोग सेकेंड राउंड में गाइस। तो चलते हैं यार यहाँ पे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा लेट स्टार्ट किया अपन ने, लेकिन आ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भीड़ है यार, सब प्रो है लग रहा है, एक काम करते हैं गाइस यहाँ पे यार देखना पड़ेगा, ये वाली ट्रिक आजकल इन लोगों ने बंद कर दी क्या भाई, होती नहीं है, यहाँ से नहीं जाएंगे गाइस, अभी ट्रिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना मुझे ट्रिक पर भरोसा है, लेकिन मुझे इन लोगों पर ज़्यादा भरोसा है, ये लोग बॉडी मार के निकल जाएंगे, हम फिर कुछ ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी हमें ट्रिक करनी नहीं है भाई, आराम से चल देंगे, आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, ट्रिक करूँगा ना तो बाहर भी हो सकता हूँ, इसलिए देखो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा, इनको पता नहीं आती है कि नहीं, मुझे ज़रूर आती है, लेकिन यार बॉडी का थोड़ा खतरा है। यहाँ से निकल आ चुके, लेकिन अब टकरा गए भाई, देखो कितने लोग निकल गए साइड में से, लेकिन मैं अभी आ गया हूँ, और क्वालिफाई भी कर लेंगे हम लोग, सेवन्थ पोजीशन पे किया है।
और पेंट स्प्लैश जितना थोड़ा मुश्किल लगता है अभी के लिए मुझे, मतलब इतनी एक्सपर्टीज है नहीं अभी अपने, लेकिन करके देखते हैं, ट्राई करते, कर भी सकता हूँ गाइस, फेल भी हो सकते, लेकिन देखते यार। सामने मेरे नूबड़ भी जा रहे तो इन लोग को भी साइड करना पड़ेगा। भाई बच गया, अच्छा मैंने किक मार दिया गाइस, वो पंखा मुझे ना पीछे ले जाता, नहीं तो अभी यार इस मुर्गे को बताता हूँ यही था ना नूबड़ गया गाइस। अब मैं निकल के आ चुका हूँ भाई, ये मैं थोड़ा साइड से जा रहा हूँ क्योंकि बीच में से थोड़ा रिस्की हो जाता। ये लोग फिर आ गए यार, मुझे यार यहाँ पे गलती नहीं करनी गाइस, यहाँ पे सही चूज करना है। और मैं आ गया हूँ गाइस, आ गया हूँ और जीत गए हम लोग पेंट स्प्लैश में नूबड़ को बाहर करके। इस लेवल में तो यार भीड़ रहती रहती है, और कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहते हैं जो लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं, जिनको कुछ अलग करना रहता है ज़िंदगी में तो वो लेफ्ट साइड से जाते हैं, जबकि सबको मालूम है कि राइट साइड से ही आप जल्दी पहुंचोगे, तब भी लोग ऐसी हरकतें करते, मुझे समझ नहीं आता। अब यहाँ पे देखो गाइस, नूबड़ है ना, है ख़तरनाक, तो मुझे ना थोड़ा बच के देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पीछे से टारगेट किया जा सकता है, जिससे हम लोग बाहर हो सकते थे, लेकिन हम लोग निकल के आ चुके और यहाँ से भी निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। बस हो गया गाइस, ये देखो ये हवा में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है भाई, ये हर कुछ ही। और आज सेकेंड राउंड में आ गया है स्पेस रेस, तो आज बीच में से निकल के देखते हैं गाइस। और मैं आ तो गया हूँ, लेकिन यार ये लोग ऊपर से जा रहे हैं यार। अच्छा कुछ लोग ऊपर से जाते, कुछ लोग नीचे से जाते, और नीचे वाला भी जल्दी आ गया है, तो भाई नीचे वाला थोड़ा सही है ट्रिक, लेकिन यार नीचे वाला सीखने में टाइम लगेगा, अभी तक मैंने ना परफेक्ट नहीं किया। परफेक्ट क्या है भाई, अभी आते ही नहीं है ये बोल लो। अब ये देखो यहाँ पे लेट हो गए हम लोग, क्योंकि हम कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा लेट ही रहता है यार, हमारी पुरानी ट्रिक ही सही है, लेकिन उसमें यार रिस्क बहुत है यार कि आप सही आओगे कि नहीं आओगे, ये रिस्क बहुत बड़ा है। और नीचे से कोई बंदा यार बूस्ट मारते हुआ है, ये डायनासोर वाली ट्रिक भी सीखनी है अभी। और क्या क्या सीखना है गाइस हमें, हाँ यहाँ पे एक और ट्रिक है जो मैंने देखी थी, इसके लिए हमें पहले इसके बाहर साइड आना पड़ेगा और यहाँ से हमें बूस्ट मिलता है, लेकिन ये बूस्ट मिलेगा कैसे, क्योंकि मैं तो आ गया हूँ और ये देखो बूस्ट मुझे मिला नहीं गाइस, ये वाला समझ आया नहीं। अगर आपको पता हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी सब देख लेंगे हम लोग। बस अब यहाँ राउंड निकालना है गाइस हमें, लावा लैंड आ चुका है, नूबड़ कोई है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा यार, इसलिए थोड़ा रुक के खेल रहा हूँ। कोई था तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, एक तो मैं भूल गया हूँ कौन था, देखते हैं अभी, अभी के लिए तो कोई नहीं है ना, अभी देखते गाइस। अभी थोड़ा पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा ना लेट चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना कन्फर्म नहीं है कौन है। हम वहीं पर बराबरी में खड़े होंगे जहाँ पर टाइल्स ज़्यादा हो, तो अगर कोई मुझे मारे ना तो मैं बाहर नहीं गिरूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। बस ऐसे ही करके हमें गेम निकालना है गाइस पूरा का पूरा। अभी इन लोग के पीछे पीछे चलते, यहाँ से चल देते, ये वाला साइड बेटर लग रहा है। बस यहाँ पे खड़े हो गए हम लोग, टॉप पे आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कोई नूबड़ नहीं है, मेरे को गलत फहमी हो रही थी, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सही यार अब इजी गेम चलेगा। यहाँ पे यार ये कोने में आ गया हूँ मैं, गलती तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। चलो बगल में आ गया है, ये लोग तो एक ही जंप में निकल गए, चलो मैं भी आ जाता हूँ। और वहाँ पे आ रहा है भाई, वहीं चलते हैं यार, ये वाली साइड है ना थोड़ी कोने की हो जाएगी और हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। देखा कुछ लोग गिर गए इसके चक्कर में, इसलिए मैं आ गया था पहले ही। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे आना है, ये थोड़ा सेंटर है, अरे आगे क्रैक टाइल्स आ गई गाइस। अब क्रैक टाइल्स में कुछ करना पड़ेगा हमें, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, थोड़ा रुक के खेलूंगा गाइस, क्योंकि पिछली बार मुझे मालूम चला था कि पहले कूद जाओ तो आप गिर भी सकते हो भाई, इसलिए थोड़ा रुक के खेलेंगे। और यहाँ पे भाई ये क्या था भाई, ये कौन सी बॉडी थी यार, इन लोगों ने मुझे आने ही नहीं दिया टाइल पे, चारों के चारों खड़े हो गए बॉडी गार्ड की तरह यार, ये गलत बात है यार। आ चुके हैं गाइस हम लोग न्यू राउंड में और आईसी हाइट्स आ चुका है, लेकिन यार ऐसी बॉडी यार लावा लैंड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रैक टाइल्स की स्पेसिफिकली, क्योंकि यार बॉडी का बहुत इशू है उसमें, हमें थोड़ा ईजी सीखना पड़ेगा, मतलब ऐसा सीखना है कि हम लोग वहाँ पे पहले पहुँच जाए बाकियों से, क्योंकि अगर मैं ऐसे लेट गया ना तो ये लोग बॉडी मार के मुझे टाइल पे ही नहीं जानेंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो क्वालिफाई करके देखते हैं भाई, ये बॉल क्या कर रही है भाई, अच्छा मेरे पास रिमोट है और मैंने मार दिया, वरना मैं बाहर भी हो सकता था भाई। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे ट्रिक नहीं हुई, कोई बात नहीं आराम से चल देंगे बिना ट्रिक के। ये हम्बल स्टम्बल का इतना ख़राब स्पॉन मिला यार, कहाँ से चले, बीच में से ही चलते गाइस। यहाँ पे स्पॉन ऐसा ना कि साइड से जा भी नहीं सकते, थोड़ा और लेट हो जाएंगे, वैसे ही मुझे ना लॉबी बहुत ज़्यादा प्रो लग रही है। अभी लेफ्ट साइड चलते यार, पीछे नूबड़ है मेरे को इससे बच के निकलना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे बूस्ट लेता हूँ, अरे आ गया गाइस, तुक्के में आ गया हूँ, चलो बूस्ट मिल गया, वरना वो नूबड़ है ना परेशान कर देता यार, ये बॉडी मार दिया फिर, ये बॉडी से तो मैं तंग आ चुका हूँ गाइस, पीछे से मेरे नूबड़ आ रहे हैं, जल्दी निकलना पड़ेगा। बॉडी और नूबड़ दोनों ने यार दिमाग खराब करके रखा है, जल्दी जाते जल्दी जाते। आगे हम लोग लावा लैंड आ चुका है गाइस, नूबड़ भी है बॉडी भी है, ये बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है।
मुझे कुछ तो करके गेम निकालना पड़ेगा। पहले तो इस नूबल को बाहर करते, रुक जाओ गाइस, इस नूबल को बाहर करना पड़ेगा। ये कौन था भाई, नीचे क्यों कूद गया? इसको लगता है ज़्यादा ही डर लग गया, लेकिन ये नूबल यार दूसरे को परेशान कर रहा है। रुको, ये फिर भाग गया भाई। जैसे ही मैं इसके पास आता हूं ना भाग जाता है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, वरना ये देखो ये कैसे टॉर्चर कर रहा है भाई लोगों को। रुक जा तू यार, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा, बस हाथ में आ जाए एक बार। वो देखो भाई, छोड़िए ना भाई इसको, प्रिंसेस को इसकी पर्सनल दुश्मनी है क्या? इसी के पीछे पड़ा है लग रहा है, और किसी को मार भी नहीं रहा शायद, लेकिन मेरे को ज़रूर मारेगा ये। इससे पहले अभी रुक जाओ थोड़ा ना, अपन सेफ आ जाते। इसको बाहर करने के चक्कर में ना मैं बाहर नहीं हो जाऊँ, इसलिए थोड़ा सेफ चलते। ये दोनों ठीक लग रहे यार, इन दोनों के पास रिमोट होगा नहीं वैसे। अभी ये बहुत दूर आ गया यार। अरे यार यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस बीच में एक जगह आ चुकी है, जल्दी से आ गया मैं, वरना पहले तो आपको मालूम ही है क्या हुआ था हमारा कुछ वीडियो पहले, कि नीचे से टाइल्स आ जा रही है और फिर अपने आप ही बाहर कर दे रहे। अब भाई इसको बाहर करना यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यार, ये कर क्या रहा है भाई, ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा मेरे? गाइस फंस गए, सबके सब फंस चुके यार, कोई भी नहीं जा पाया। अब मुझे कुछ भी करके इसको बाहर करना पड़ेगा, और बाहर हो चुका है यार, सही टाइम पे यार, एक मुक्का मेरा पड़ा। लेकिन जो टाइमिंग थी ना, इतने सारे मुक्कों में यही था हमारा मेन मुक्का जो पड़ चुका है, और इसी के साथ हम लोग राउंड जीत चुके गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको यार, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे स्टंबल गाइस का पिछला गेम प्ले देखना है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।